में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया पूरी हो गई है, लेकिन शिक्षक बहाली की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब अभ्यर्थियों की तरफ से इस्तीफा देने का दौर शुरू हो गया है। बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां बीपीएससी की तरफ से शिक्षक बहाली के बाद अब अभ्यर्थियों की नियुक्ति तो हुई, लेकिन इन सबके बीच कई अभ्यर्थियों ने इस्तीफा दे दिया। शिक्षक बहाली के बाद सेवा में योगदान करने वाले शिक्षकों की तरफ से अलग अलग जिलों में इस्तीफा देने का सिलसिला जारी है। इस्तीफा देने वाले ज्यादातर नवनियुक्त शिक्षक उत्तर प्रदेश से आने वाले हैं, हालांकि बिहार से आने वाले भी कई शिक्षकों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब तक के जो आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं उसके मुताबिक सबसे ज्यादा समस्तीपुर जिले में शिक्षकों ने इस्तीफा दिया है। समस्तीपुर जिले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अब तक 50 शिक्षक इस्तीफा दे चुके हैं। इसके बाद मुजफ्फरपुर में 17 नवनियुक्त शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा बेगूसराय में भी 4 और मधुबनी में भी 1 नवनियुक्त शिक्षकों ने इस्तीफा दिया है। इन शिक्षकों की तरफ से इस्तीफा दिए जाने के बाद आधिकारिक तौर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय की तरफ से सूचना भी जारी की गई है। मुजफ्फरपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक जिन शिक्षकों ने इस्तीफा दिया है उनका चयन केंद्रीय विद्यालय के लिए हो गया है। इसी का हवाला देते हुए इन शिक्षकों ने बिहार में शिक्षक की नौकरी को छोड़ दिया है। कुछ मामलों में शिक्षकों ने दूसरे किसी प्रतियोगिता परीक्षा में चयन हो जाने के बाद बिहार के शिक्षक की नौकरी को छोड़ दी। तो देखा आपने कि एक दौर था जब बिहार में नौकरी नहीं मिल रही थी और शिक्षक अभ्यर्थी बहाली के लिए लगातार आंदोलन कर रहे थे। उसके बाद बहाली की प्रक्रिया पूरी हुई और लाखों अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने का मौका भी मिला, लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि बिहार में शिक्षकों के इस्तीफा देने का दौर शुरू हो गया।